ईवीएम बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईवीएम बंद करो, बंद करो। आयोग चोर है, चोर है, चोर है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मशीन चोर है, बंद करो, बंद करो। मैं प्रदीप अंबेडकरी, प्रेसिडेंट अंबेडकर सेना मूल निवासी जम्मू कश्मीर। आज हमने जो प्रोटेस्ट रखा है, ये सिर्फ कठुआ में नहीं, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट है। हमने अंबेडकर सेना मूल निवासी के तरफ से ईवीएम जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ईवीएम के घोटाले से हमेशा हमेशा बीजेपी की सरकार जो बन रही है, मैं सभी पार्टियों को अपील करता हूं कि आप पार्टी बाजती से ऊपर उठकर ईवीएम बैन करने को हमारा साथ दे, सहयोग दो, क्योंकि जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी तो ये लोकतंत्र की हत्या है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत दुख तकलीफों के साथ सहन कर हमें बोर्ड का अधिकार दिया था। आज ये तानाशाही बीजेपी की जो सरकार है, ये बोर्ड को हमारे गलत इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जो बोर्ड हमारा सही जगह नहीं जा रहा है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम हैंग की जा रही है। अगर नहीं है तो मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ कि मुझे बताए, हमारे पास अंजीर दे रहे हैं, हम आपके सामने इसका डेमो देकर इसको गलत साबित करके बताएंगे। इनकी जो पॉलिसी है, जो 100 बोर्ड तक बिल्कुल सही चलते हैं, उसके बाद हर चौथा बोर्ड जो है वो बीजेपी को जा रहा है। ये बहुत धक्केशाही है। चुनाव आयोग को हम चेतावनी देते हैं कि ये जो ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं, इसको बंद करो। अगले आने वाले जितने भी चुनाव है वो जो है बॉलेट पेपर से करवाए जाए, अन्यथा हम चुनाव नहीं होने देंगे। अंबेडकर सेना मूल निवासी इसका पुरजोर विरोध करती है। और आज हमने जहां पर कठुआ में प्रोटेस्ट करके मानचौक राष्ट्रपति साहब को, मानचौक डीसी साहब के थ्रू एक मेमोरेंडम दिया है, जिससे हमने मांग की है कि जे ईवीएम मशीन को पूरे भारत में बंद किया जाए। चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के देखा आपने बनाया गया है, 8 बोर्ड रद्द की कर दी, एक किस तरह से देखते हैं चंडीगढ़ में जो मेयर बनाया गया भाजपा द्वारा? देखो, जो चंडीगढ़ में मेयर बनाया गया है, जे भी ईवीएम के घोटाले से बनाया गया है। देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन की जो भारत में जिसको जो काम सौंपा गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है जे भी बनाने के लिए जो है, जहाँ पर 4 बीजेपी के जो लीडर है उनको सौंप दिया गया है, उनका उस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, तो उनको जो काम दे दिया गया है, तो किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होंगे? हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इनको, बीजेपी को वहां से हटाए। और इन्होंने यही नहीं, पहले चुनाव आयोग का जो नुमाइंदा चुनने के लिए क्या होता था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक जो रूलिंग पार्टी है उसमें से, और एक अपोजिशन वाले वोट डालकर तो उसमें से चुनते थे। अब इन्होंने अपोजिशन का काम तो खत्म ही कर दिया है। अब क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन जो चुना जाएगा उसमें बीजेपी जो भी रूलिंग पार्टी है उसके 2 मेंबर होंगे और एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट से होगा, तो वो तो नेचुरली है कि वो जो 2 वोट होंगे वो उनको ही मिलेंगे। तो जो ईवीएम को जो घोटाले करने के लिए जो ऐसे षड्यंत्र चाह रहे हैं, मैं फिर अपील करता हूँ कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। सनी डोगरा, अज अं प्रोटेस्ट कराने कठुआ के एसीबी चौक के प्रोटेस्ट करने का मतलब यह है कि जो तुम सारे पता कि जो सा बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के साफ साफ तौर पर लिखे कि सा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ संविधान के बिच ही बुक के बिच ही लिखा गया है। और सारे देश जरा आम जो ग्राउंड उपर लोकतंत्र नहीं लगा है। अज जरा भी कोई अपनी आवाज चुकना चाहता है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वह सेंटर चाहे चाहे वह स्टेट चाहे कुछ भी, चाहे अं स्कूलें अंदर, अं कॉलेज अंदर, अपने विधानसभा चाहे कुछ भी दिखने, कोई भी अपनी आवाज चुका है तो उसी दवाई देना चाहते हैं। एक तरह की तानाशाही जी है ये बीजेपी ने, आरएसएस ने अपनाई दी है, तो अं इसका विरोध करने और विरोध करते रहोगे और अं दिखाने के हिंदुस्तान च बीजेपी के खिलाफ अज बच्चा बच्चा इसके खिलाफ होता, लेकिन फिर भी यह जीती आ रहे। यह कि हुआ था, यह साफ साफ तौर यह लभद है कि जो ईवीएम है, ईवीएम से घोटाला करा दिया सरकार, इनकी पुलिस, इनकी
विधानसभा अंदर सारा कुछ इंदा है तो ईवीएम च घुटाला करना कोई बड़ी गल नहीं है तो यह साफ तौर पर लब्भा है कि ईवीएम च घुटाला करा देना है और यह जितिया देना है। अं चाहे कि ईवीएम बंद करे क्योंकि जिन्हें ईवीएम बनाई उन्हें खुद अपने देश ईवीएम बंद कर दी है फिर यह क्या करा दे क्या लागू की है यद मतलब इन्हें पता है कि ईवीएम कहीं जीती सकने वायदा अं जीती नहीं सकते तो अं आखना चाहते हैं सेंटर सरकार ही अं आखना चाहते हैं कि ईवीएम बंद की जाए और जो तानाशाही है बंद की जाए।